समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ऐसे स्थान जहां पर जमीन हल्की है या बलुई है, वहां एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देने की व्यवस्था करें, और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है, वहां पर 10 दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, और इसके घोल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं, और अगर उनकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं तो फलों के विकास में लाभ होगा और इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जहाँ तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौरजीत है, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान से निकाली गई किस्म पूसा लालिमा है, उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जून के प्रथम सप्ताह में एक छिड़काव पोटेशियम का किया जाता है तो उससे फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने में लाभ होगा। इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें। अगर यह दोनों रसायन नहीं उपलब्ध है तो पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी 1% का घोल बनाकर एक छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि ईंट के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, उससे आम में कोयलिया विकार हो जाता है। तो आम की कोयलिया विकार से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने मई के प्रथम पखवाड़े में एक छिड़काव बोरेक्स का अवश्य कर लिया होगा, और एक दूसरा छिड़काव इस समय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका एक छिड़काव इस समय अवश्य कर दे। इस समय जो सबसे प्रमुख कीट आम के बागों में जिसका प्रकोप देखा जा रहा है वह है फल मक्खी कीट, और इसकी मादा फल की सतह पर छिलके के नीचे अंडे देती है, और उन अंडों से लार्वा निकल करके वह गूदे को खाता है, और जो प्रभावित भाग होता है वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा, और जिन्होंने लगा लिया उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकड़ी लगी है उसको नियमित अंतराल पर बदलते रहें। सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर जो उपचारित लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना जरूरी होता है, और जिन किसान भाइयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल्द से जल्द फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य तौर पर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 12 से 15 फल मक्खी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। अब बात आती है कि फल मक्खी ट्रैप की लकड़ी को उपचारित कैसे करें। इसके लिए 3 रसायनों की ज़रूरत होती है। पहला है एथाइल एल्कोहल, जिसकी 6 भाग मात्रा ले लें, और दूसरा रसायन है मिथाइल यूजिनाल, जिसकी 4 भाग मात्रा लें, और इसके साथ साथ कीटनाशी जैसे कि स्पाइनोसाइड है उसकी 3 भाग मात्रा ले लें, और इन सबको मिलाकर घोल बना लें, और प्रयास करें कि जो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में भिगो के रखें। इसके लिए हमारे किसान भाई स्पाइनोसाइड की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कम से कम 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें, जिससे फल मक्खी प्रबंधन में काफ़ी लाभ होता है। ऐसे बाग जहाँ पर पेड़ छोटे हैं या अभी फलत में नहीं है, जल्दी ही लगाए गए हैं, तो उसमें जो छोटे पौधे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंतराल पर सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून में वो नया बाग लगाएंगे, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के बीच में ही उनको गड्ढे खोदने की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला हुआ गड्ढा है वो कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए चिलचिलाती धूप में खुला रहे, जिससे उसमें जो भी रोगाणु या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए, और आने वाले दिनों में जब हम उसमें पौध लगाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो।